तमिलनाडु में आपको पता होगा कि भारत का सबसे आखिरी छोर रामेश्वरम में है, वही हम रामेश्वरम हम आए हुए हैं और यहाँ पर स्नान करके सभी लोग उसमें दर्शन करते हैं, यानी कि पूजा करने के लिए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस समुद्र में नहाने के लिए लगभग पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए पूरे देश से आते हैं यहाँ पर लोग, और स्नान करके साथ ही साथ दर्शन भी करते हैं। आपको हम बता दें लगभग यहाँ पर ये समुद्र में आए दिन लाखों की संख्या में आते हैं। रामेश्वरम में और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, वह सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा, लेकिन यह हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस समुद्र में कैसे कैसे जगहों से यहाँ पर क्या क्या यहाँ से दिख सकता है आपको, क्या क्या यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ के कुछ लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि यह लोग का क्या कहना है इस रामेश्वरम के बारे में। कहाँ से हैं? कहाँ से? आपका योर नेम? अरंगनाथन। अच्छा, योर फॉरम? तमिलनाडु। तमिलनाडु से है। रामेश्वरम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? पांडिचेरी। आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि सभी प्रकार के भाषाओं बोलने वाले लोग यहाँ पर अक्सर मिलेंगे। देख लीजिए, वह तमिलनाडु से थे और वहाँ बोले गॉड, यानी कि गॉड बेस्ट, यानी कि प्रणाम किए, और उनका कहना है कि यहाँ रामेश्वरम काफ़ी बेस्ट जगह है और यहाँ पर पूरे देश से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग, और लगभग अभी और भी लोग आना बाकी ही है। यहाँ पर इतना कहें, इतना अधिक मात्रा में भीड़ लगता है जो यहाँ पर कंट्रोल करने में थोड़ा समस्या है। यहाँ पर देख सकते हैं हवन भी करवा सकते हैं, यानी कि पूजा भी करवा सकते हैं। इधर भी देख सकते हैं, अभी आपको भी दिख रहा होगा, देख सकते हैं, देख लीजिए, यहाँ पर पूजा भी करवा सकते हैं अपने नाम का। आप अपने नाम का पूजा भी करवा सकते हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर सफाई का भी कार्यक्रम चलते रहता है, यानी कि साफ सफाई भी रखा जाता है इस रामेश्वरम को। इस रामेश्वरम को देख सकते हैं कितने साफ सुथरा में भी रखा जाता है। लेकिन आपको हम बता दें कि बिहार में अनेकों मंदिर है, अनेकों जगह, लेकिन उस मंदिर पर शायद कोई ध्यान देने वाले नहीं रहते हैं। उस जगह को, उस पर्यटकों को, शायद बिहार में पर्यटकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अदर राज्य में जाते हैं तो शायद कुछ अलग अलग तस्वीर देखने को मिलता है।